मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं बा जहा भी रूप तेरा ही सामने आए वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए रूहानी दृष्टि दे दे रूहानी दृष्टि दे दे

साथ गुड मॉर्निंग अभी हम मोइनी दीदी से अव्यक्त वाणी सुनेंगे अब सबसे निवेदन है अपना वीडियो ऑन करके बैठे दीदी के सामने बैठे ऑल दो ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन इज अवेलेबल अभी हम मोइनी दीदी से सुनेंगे ओम शांति आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक बधाई शुभकामनाएं हैं परंतु अब व्यक्ति परिवार को न केवल नव वर्ष की परंतु बहुत प्रकार की बधाई मिलनी चाहिए सबसे पहले तो योग बल इकट्ठा करने की आप लोग रोज ही शाम को बट्ठी करते हैं अमृत वेला करते हैं मुरली से पहले बठी करते हैं तो सब जमा हो रहे हैं ना, और आप सभी के योग बल का जो सहयोग है उससे ये अव्यक्ति परिवार विश्व व्यापक होता जा रहा है तो हमें खुशी होती है ये देख करके कि आप लोगों की बहुत लगन है योग में बैठने की और सभी हर प्रकार के जो ईश्वरी मर्यादाएं हैं ईश्वरी नियम हैं उनकी भी पालना करते हैं तो सहयोग मिलता है ना उससे और जरूर है कि आप राजयुक्त का जो हम सब ने अपने प्रति दृढ़ संकल्प लिया है बाप समान बनने का वह भी करते होंगे और जैसे जैसे आप करेंगे आपको सहज लगता जाएगा मैंने सोचा कि देखो बाबा हमें सब वेल करे हम बाबा को सब वेल करे बाबा भी तो वेल करता है ना और हम भी करते हैं बाबा हम आपके हैं और हमारा सब आपका है तो उसमें फिर मैं मेरा तो चला जाता है परंतु आप समान बनने की भी शक्ति आती है बेशक कल उन्होंने कहा पहले आप पहले आपकी बात और है लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाप बच्चे बाप समान है को समान दिया ना हम सबको मैं तो बचपन से देखा बाबा के पास आए बच्चे आप लोग बाप समान हो ऐसे कहते कहते बनाया पर अगर मैं मेरा नहीं जाता है तो आप बाप समान नहीं बनाते आप समान बनाते हो वो भी अच्छा है एक बार दीदी हमको कहती थी पहले कहते थे ना सबको आप समान बनाओ लेकिन अगर मैं बाप समान हूं तो आप समान बना के भी सबको बाप समान बनाएंगे ना कि मेरे समान बने लौकिक में दुनिया में कहते हैं कि ड्राइविंग कभी भी अपने लौकिक रिश्तेदार से नहीं सीखनी चाहिए परिवार से क्योंकि उसमें जो कमी होगी ना वो आप भी ड्राइविंग में नहीं सीख पाएंगे तो चलो प्रैक्टिस के लिए किसी के साथ भी करो लेकिन ड्राइविंग लेसन हमेशा प्रॉपरली बाहर से लेने चाहिए प्रोफेशनली लेने चाहिए क्योंकि वो आपको हर बात एक्यूरेटली बताएंगे लेकिन और लोग एक्यूरेटली बताएंगे पर एक्यूरेटली शायद वो खुद भी ना करते हो कई बातें तो हमारी दीदी मनमोहिनी कहने लगी आप सामान बना के बाप सामान जरूर बनाना है तो आज मैं सवेरे से सोच रही थी कि हम एक एक पॉइंट का लिंक बनाए ना अपने जीवन में पहला कि मुझे सब कुछ विल करना है और बाबा से फिर मुझे विल बाबा मुझे विल करता है तभी तो विल पावर आई ना अगर बाबा विल ना करे तो विल पावर वो तो एक घंटे में बदलती रहेगी दस दस मिनट में बदलती है इसका मतलब बाबा से बिल नहीं मिली तो बिल पावर नहीं आएगी और फिर सबको लक्ष्य क्या रखते हैं मैं मेरा नहीं आप मुझे मत फॉलो करो और बाबा को करो तो अगर बाबा को करेंगे तो आप समान सहयोगी तो बनेंगे ही ना हम दादियों को देखते थे श्रीमत पर चलना है बाप समान बनना है तो उनका संगठन क्योंकि सभी बाप समान है अगर तो एक दूसरे को समान देते हैं कोई छोटे थे कोई बड़े थे आयु में तो वो समानता लाना फिर और आगे बढ़ते जाएंगे जैसा जैसा होगा आपने देखा होगा काफी समय से बाबा संतुष्टा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि अगर मैं भगवान की बन के भी संतुष्ट नहीं तो कब किस जन्म में अगर आज हम संतुष्ट हैं तो सत्युग में संतुष्ट रहेंगे ना संपन्न तो भी बन ना हर बात से सिर्फ गुणों से नहीं हर प्रकार से संपन्नता हर प्रकार से परफेक्ट बने, एक्यूरेट बने अभी संगम युग पर तो थोड़ा बहुत गहराई से देखो कि मेरे जीवन में क्या असंतुष्ट है कोई है पूरी नहीं हुई इच्छाओं को मार दिया है ये समझ के कोई इच्छा नहीं है कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप कहते हैं ठीक है मेरे को कुछ नहीं इच्छा है कुछ इच्छा नहीं पर जरूर है ना कुछ ना कुछ इच्छाएं तो पवित्र इच्छाएं तो मन में आएंगी ना तो कई बार सप्रेशन हो जाती है तो बाबा कहता है संतुष्टा की क्या निशानी है कौन बताएगा हम्म यहाँ पर जो बैठे हैं कोई भी बताए हम्म संतुष्टा वाली प्रसन्नता होगी उनका चेहरा सदा खुश होगा उसी से पता लगता है ना अरे इनको तो सब प्राप्त है पहले भगवान प्राप्त हुआ चाहे हमने सब कुछ समर्पण किया पर ब्रह्मा बाप को आपने देखा सब कुछ देते हुए भी उनके अंदर संपन्नता थी संतुष्टि मतलब बाबा कह रहे है प्रसन्नता हमने तो ज्ञान से भी पहले कि भगवान के सामने इतना खुश नसीब चेहरा ले जाओ कि वो वरदान देता रहे अगर आप खुश नहीं जाते तो पहले तो आपको खुश करेगा मुझे भगवान को खुश करने की भगवान मुझे खुश करे भगवान मिला तो खुश होना चाहिए ना तो थोड़ा थोड़ी चेकिंग गहरी करनी पड़ती है तो कहते हैं ब्राह्मण जीवन का सुख क्या है संतुष्टा व प्रसन्नता ये सुख है इसी सुख के कारण और किसी सुखों की तरफ ध्यान नहीं गया ना हम सभी अच्छे घर थे अच्छा परिवार था पर क्यों बाबा के पास आए सच्चा सुख पाने के लिए ना संगम युग पर छोटी छोटी बात पे दुख करें कैसे पॉसिबल है तो पुराने संस्कारों का प्रेशर है कभी कभी अपनी बुद्धि का थोड़ा अभिमान का कोई भी बातों में बड़ा सूक्ष्म है मैं इस बात में खास हूं फिर मैंपन आ जाती यहां मैंपन मैं देख रही हूं स्थूल चीजों में नहीं है मैंपन लेकिन एक अंदर में सूक्ष्म में मैं मेरा है तो आज थोड़ी दृढ़ता से बाबा गुरुवार को आए थे तब भी बाबा ने संतुष्टता पर समझाया था आज पाप दादा चारों ओर के अति लाडले हम बाबा के लाड लिया सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं एक होती है करने की विशेषताएं मुझे ये आता है ये आता है दूसरा है अंदर की आत्मिक विशेषताएं आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष बच्चों को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टा के द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं अर्थात संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टा की अनुभूति अपनी दृष्टि अपनी वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं समझा जिस जिसने समझा हाथ उठाओ समझा सभी ने समझा हुआ सदा संतुष्टा से खुद भी संतुष्ट रहे हैं औरों को भी संतुष्टा की अनुभूति अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सदा कराते हैं क्योंकि असंतुष्ट नहीं है ना तो अपनी दृष्टि वृत्ति से दूसरों को भी उसका दुख मिलता है ना तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे कौन से जो सदा संकल्प में सदा बोल में संगठन के संबंध संपर्क में कर्म में संतुष्टा के गोल्डन ग्रुप बाप दादा द्वारा गोल्डन पुश बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव कर रहे थे तो क्या संकल्प से बोल से संगठन में और कर में अर्थात दृष्टि वृत्ति और कृति तो बाबा कहते हैं सर्व प्रति संतुष्टा के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं जो ऐसी संतुष्ट बनी है उनके ऊपर बाबा गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई अंदर संतुष्ट है पर अगर दृष्टि में नहीं है वृत्ति में नहीं है कर्म में नहीं है संबंध व्यवहार में नहीं है हर गुण ऐसे ही है ना अंदर में होगा धैर्यता है पर बाहर से नहीं है जल्दी टेंशन में आ जाते हैं जल्दी अधेरे हो जाते हैं तो लगेगा मेरे में दे रहता है पर प्रैक्टिकल में नहीं है आज इतने इतने वर्ष सबको लगे किस बात में प्रैक्टिकल में ना कि दृष्टि भी ऐसी हो वृत्ति भी हो कृति भी हो तो बाबा कहते हैं माला बड़ी नहीं बनी छोटी सी माला बनी बाप दादा बार बार संतुष्ट बढ़ियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की भी माला बनती है अगर संतुष्ट नहीं तो भक्तों को कैसे देंगे ना तो बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे तो एक माला तो बनाई जो संतुष्ट मणि है बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं उनका संकल्प कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट उस छाया से कभी निकल आते हैं सदा नहीं रहते हैं, उस छाया से निकलते हैं फिर फिर अपने संकल्प का संकल्प का प्रभाव देखो दूसरों पर तो है ही है ना यूनाइटेडम नौ वर्ष की आयु से लेके अभी सतसठ सत वर्ष हो गए तो आप सोचिए इतनी जीवन तो हम सभी ने बाबा के साथ ही गुजारी और हमें वो बचपन के दिन इतने प्यारे और याद आते हैं मैं तो एक ही शब्द कहूँ वो भी कम है मैं समझती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे व बच्ची को भी ऐसी पालना नहीं मिलेंगी जो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को दी आजकल के राजाओं की तो बात ही छोड़ो वो तो आजकल कल दासियाँ ही पालती है लेकिन हमारी जीवन बाबा ने ऐसी बनाई जो स्वयं बाबा के जो कहते हैं ना हम कि संसारी ही बाबा है सभी मानते हो कि मेरा तो संसारी ही बाबा है तो हम कहते हैं कि हमारी जीवन ही बाबा से है और संसार तो बाबा है ही है तो मैं थोड़ी सी झलक आपको बताने चाहती हूँ कि बचपन से हमारी पालना बाबा ने कैसे की आजकल की शहजादियाँ तो उसके आगे मैं समझ पांच परसेंट भी नहीं होंगी लेकिन बाबा ने इतनी पालना की हमें बाबा सवेरे सवेरे उन दिनों में योग शब्द नहीं था योग में अमृत वेले बैठना है ये शब्द नहीं था लेकिन उस समय हमारा अभ्यास क्या था आत्मा का ज्ञान ही था पहले परमात्मा का ज्ञान धीरे धीरे पीछे बढ़ा है लेकिन पहले जब हम आए तो बाबा ने हमें से ही कार्य करना है और वो स्टेज हम लोगों की ऐसी थी छोटे बच्चे के रूप में तो थे लेकिन वो अवस्था इतनी पक्की हो गई जो हमें बिना आत्मा के कुछ लगता ही नहीं था जैसे मैं भी आत्मा ये भी आत्मा जो भी मिले वो आत्मा अज्ञानी आवे तो भी ये आत्मा आई है शरीर का भान बिल्कुल ही बाबा ने जैसे बोला दिया बार ब्रह्मा बाबा ने कहा दीदी ने या दादी ने पूछा आप क्या करते हैं बोला माला बनाता रहता हूँ बहुत काम है माला बनाने का दाना डालता हूँ फिर निकालना पड़ता है नंबर लगाता हूँ फिर हटाना पड़ता है किसी को आगे पीछे तो बाबा भी अपना बता रहे हैं कि एक माला बनाई अभी दूसरी माला छोड़ता तो बाबा किसी को नहीं है ना कैसा भी कोई दाना है दूसरा क्या बनाया कि अपने संकल्प के प्रभाव में फंस जाते हैं फिर निकलते हैं फंसते हैं फिर निकलते हैं लेकिन जो तीसरे बच्चे हैं वह कभी संकल्प की असंतुष्टा एक तो है नेचर है और संस्कार है इमर्ज होता है सिर्फ संकल्प लेकिन तीसरे फिर क्या है संकल्प की असंतुष्टा कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्ट खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है और कभी परिस्थितियों द्वारा संतुष्ट ऐसा होता तो मैं ज्यादा खुश होती यहाँ होती तो ज्यादा खुश होती ऐसा संग होता नहीं ऐसे अंदर में कोई असंतुष्टि है क्योंकि हम लोग भेंट करते हैं ना अगर हर मिनट को ऐसे समझे कि ये तो बहुत अच्छा अवसर मिला है तो कभी स्वयं की हलचल के द्वारा असंतुष्टा और कभी छोटी छोटी बातों से असंतुष्टा और वो इसी चक्कर में चलते निकलते फंसते रहते हैं दूसरा नंबर फिर भी ठीक है कभी कभी कोई संकल्प का प्रभाव आ जाता है पर तीसरी में तो बहुत मेहनत है अभी तो ऐसे माला देखी जो तीन मालाएं तैयार हुई क्योंकि मणिये तो सभी हैं लेकिन संतुष्ट मणियों की जो झलक होगी वो और दो प्रकार की मणियों की झलक संतुष्ट मणियों की जो झलक होगी दूसरे दो प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी तो आप भी जान सकते हो ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देख बहुत हर्षित हो रहे थे क्योंकि बच्चे तो उसके ही हैं। तो बाबा कहते हैं साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि कोई मणि कोई थोड़ी सी असंतुष्टा की छाया मात्रा के कारण पहली माला से वंचित रहे हैं इसको परिवर्तन वो कैसे भी पहली माला में आ जाए क्योंकि थोड़ी असंतुष्टि अपने संकल्प का प्रभाव इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में आए तो एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते हैं। बार बार यही बोले कि इसकी इसको पहली माला में कर लें बाबा कहते पच्चीस तीस के करीब मणिये थी जिसके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रू रिहान चल रही थी ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए लेकिन फिर स्वयं मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अविश्य पहली में ला करके दिखाएगा कोई उम्मीदवार होते हैं कि सिर्फ संकल्प का ही है कईयों की तो चार बातों में बताई ना संतुष्टि लेकिन कईयों का सिर्फ टेम्पररी संकल्प का है तो बाबा कोशिश करते हैं वो पहली माला में आ जाए तो बाबा कहते हैं तो ऐसे विशेष मणि भी देखी रू तो रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है जबकि युग का विशेष वरदान संतुष्ट है फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त कर वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर में क्यों आ जाती हैं? संगम युग का विशेष वरदान है संतुष्टा फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर में क्यों आती है और संतुष्टा का बीज है सर्व प्राप्ति है समझा कोई कहे शुरू में वैरागी हो जाते हैं मुझे कुछ इच्छा नहीं है और दूसरे होते हैं देखते रहते हैं शुद्ध इच्छा आई मन में अभी भी हम कई संकल्प रखते हैं बाबा पूरी करते हैं ना तो क्या होता है कि वो संतुष्टता नहीं हुई ना अंदर में क्योंकि करने से भी तो संतुष्टा होती है ना तो सब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजान में अथवा ब्राह्मण जीवन में फिर असंतुष्ट क्यों क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा है क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा है या बाबा कहते हैं अंतर रखा है या लेने वालों ने अंतर रखा है क्या हुआ हमारे लेने पर है ना जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं उनकी इक्कीस जन्मों की वंशावली फिर उनके भगत फिर भक्तों की भी वंशावली वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे एक निमित्त प्राप्तियों में इतने सबको प्राप्ति होगी होता है ना हम सभी पाठ बजाते हैं तो कोई होते हैं कि बहुत ज्ञान सुन के आकर्षित होंगे कोई होते हैं उनके प्रति भावना होती है तो यज्ञ भंडारे में बहुत आता है तो मुझे याद है मैं एक नए सेंटर पर थी जैसे ही उन दिनों में फ्रिज फ्रिज फिफ्टीज में फ्रिज फ्रिज बड़ी बात थी तो किसी ने कहा बाबा के यज्ञ के लिए फ्रिज लाएंगे किसी के निमित्त आता है तो वो लोग सब कहने लगे तो मोइनी बहन का है मैंने कहा मैं साथ लेके घूमूंगी क्या तो मैं तो दो हफ्ते के बाद चली गई मैंने कहा तो आप लोगों के लिए है कुछ भी आता है तो अपने साथियों के लिए अपने यज्ञ के लिए ऐसे कई सुख में प्राप्ति है अपने भक्तों के लिए तो प्राप्ति होती है उससे कितनों को फिर उसका हर बात में हम देखते हैं कई होते हैं उनके पास हर एक अलग अलग तरह से विशेषता होती है तो दाता के भंडारे भरपूर इतने भरपूर जो आपके श्रेष्ठ निमित आत्माओं को भी बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए उनकी किस जन्मों की वंशावली फिर उनके भी भगत भक्तों की भी वंशावली वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टा क्यों खोजना पड़ता है ना अंदर क्या कांटा कौन सा कांटा छुपा हुआ है किसी घटना का किसी व्यक्ति का कहीं असंतुष्टा में दर्द है ना अंदर कुछ कमी है तो काफी सोचना पड़ेगा तो बाबा कहते हैं अखुट खजाना सभी को ही प्राप्त है एक ही के द्वारा एक ही जैसा एक ही समय और एक ही विधि से लेकिन प्राप्त हुए खजाने को अभी पहले तो देखो प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लाते जैसे शांति का खजाना है ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना है बाबा कहता है हर समय यूज नहीं करते अर्थात स्मृति में नहीं रखते तो कहाना बढ़ता नहीं है बाबा कहता है मुख से खुश होते हो लेकिन दिल से नहीं खुश होते दिमाग की खुशी अलग होती है दिल की अलग होती है दिमाग से ज्ञान के आधार पर खुशी है फिर जो दिल की खुशी है वो अलग है बाबा तो कहते हैं कारण क्या है प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप कार्य में नहीं लगाते अब मुझे कौन सा गुण चाहिए इस समय मुझे कौन से गुण से सोचना चाहिए ये दिन भर रहे इसलिए मुझे ये प्रेजेंट देना है सबको सारा समय ये मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट दो प्रेजेंट की गिफ्ट दो बाबा भी कह रहे हैं प्राप्तियों के खजाने को स्वरूप स्मृति स्वरूप कार्य में नहीं लगाते स्मृति रहती है कहीं बैक ऑफ द माइंड जैसे कहते हैं ना कि स्मृति रहती है लेकिन क्या फर्क है स्मृति स्वरूप में नहीं लाते वो तब आएगी जब प्रैक्टिकल में ना अंदर में है सब कुछ पर जब उसको फिर बोल में लाए व्यवहार में लाए कर में लाए प्राप्ति तो बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहा, हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद के प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टा की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है अब बाबा बताएंगे कैसे हद की प्राप्ति दिलों में भी हद डाल देती है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते अपना दिल खोल करके खुले दिल में नहीं ऐसा लगता है कि अंदर दिल को बहुत सप्रेस किया हुआ है। खुशी भी प्रकट करेंगे वो भी नहीं 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 कर पाते हैं। है है। दिल में ये नहीं कि नहीं बाबा कह रहे हैं सबको दिल में तो है लेकिन उसको तो बाबा कहते हैं बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टिया का अनुभव हो उससे वंचित कर देती है तो हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है इसलिए असंतुष्टा की अनुभव होती है सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता <laughs> एक ना रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड बन जाता है नहीं जैसे मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ ठीक है नहीं बहुत हद ये कितना अच्छा है सेवा में हद डाल देते क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता आ, कुछ किया नहीं सफलता मिली अब मैं नहीं करूंगी और हमारी दीदी को कितनी बार कोई ड्यूटी मिलती थी तो छोटी मोटी गलती होती थी तो दीदी तो छोड़ती नहीं थी मन दीदी जरूर बता दी थी अच्छा अभी नहीं मैं करूंगी मेरे से नहीं हो रहा ना अच्छा तुमको ही करना है तब हमारी गलतियां भी ठीक होती गई और हम भी संपन्न बने लेकिन करना ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो संपन्न ये हद है देखो अब मुझे याद आ रहा है मनमोहिनी दी दीदी हमारी हमारे एक एक शब्द पर भी हमको कहती थी देखो ये वरदानी शब्द नहीं बोला आपने ये अपने वो लेना का शब्द बोला ना वरदानी नहीं बोला तो नहीं किसी और को ये ड्यूटी दे दो ना मेरे से नहीं होगी क्योंकि मेरे से गलती तो तुम को ही करनी है तो उससे क्या होता था अगली बार थोड़ा कम गलती होगी उससे और जब कम होती जाएगी ना लेकिन अगर छोड़ ही देंगे हद में रह गए तो यहाँ तक तो नहीं पहुंचते ना समझ रहे हैं बात को तो जो हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है कई फिर सोचते हैं कि हम इच्छाओं से पार हो रहे हैं नहीं कह दिया मैंने सेवा के लिए तो मेरे को इच्छा नहीं है सेवा की बाबा दे रहा है ना इसमें इच्छा ना इच्छा की क्या बात है हम तो हर सेवा को ऐसे सोचते कि बाबा ये सेवा दे रहे हैं ना ये मुझे नहीं करनी है अभी देखो ये अवज्ञा कितनी बड़ी हो जाती है ना हम तो इसको कभी नहीं बाबा कह रहे हैं ना तो ना कैसे कह सकते नहीं है योग्यता तो आएगी तो इसलिए बाबा ये थोड़ा सा टेंशन हम दे तो बाबा कहते हैं कि इसलिए अभी अभी संतुष्टा अभी अभी असंतुष्ट तो हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती है जो हद ये मैं क्या कर सकती बाबा ने कहा करो ना रेली really, किससे फिर बाबा योग्यताएं भी लाता है वरदान भी देता है सबकी दुआएं भी मिलती हैं उसी से आगे बढ़ते हैं ना तो विशेष चेक करो कि मन को अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है बहुत ही गहरी पॉइंट है, है। संतुष्टता की निशानी है वे अपने मन से दिल से सर्व से बाप से ड्रामा से संतुष्ट होंगे वे अपने मन से संतुष्ट होंगे नहीं कईयों को अपने मन से ही संतुष्ट मुझे बहुत तरह के ख्याल आते हैं मुझे ये होता है नहीं तो मन को दबाओ नहीं थॉट्स चेंज करते जाओ कई लोग दबा देते हैं मुझे इच्छा नहीं होनी चाहिए आता है संकल्प देखो क्या है कैसा है तो इसलिए मन से फिर दिल से सर्व से और ड्रामा से बाप से और ड्रामा से संतुष्ट होंगे उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी मन और तन दोनों क्यों जरूरी है हमको अपने तन का चेहरे का क्योंकि उसी से बाबा भी प्रत्यक्ष होता है न? आज हम लोग हैं कैसा भी शरीर है तो चेहरा अच्छा है तो सेवा हो रही है ना कैसा भी दर्द हो ठीक है नहीं है बहुत से दर्द होती है कई बार तो क्या होता है सेवा करते हैं पर चेहरा ठीक रहे यही बाबा की प्रत्यक्षता है तो सेवा होती है ना अब आपके सामने दुखी चेहरा दर्द वाला चेहरा क्या सेवा होगी नहीं कम से कम इतना तो है सभी ये लिखते हैं यू लुक्स वेरी वेल तो सारत कहानी सुनाना शुरू करूं क्या कि मुझे ये भी होता है ये भी होता होता है है पर चला जाता है तभी तो बैठे हैं तो तन से भी बाबा मन और तन दोनों की संतुष्टि चाहिए लेकिन बैठ जाए कि ये है ये बीमारी है ये इलाज हो रहा है ये हो रहा है तो भूल ही जाते हैं कभी कभी तो और ये जो बाबा ने व्यक्ति परिवार में सेवा दिए शाम तक कुछ भी नहीं याद रहता इसके बाद कि सवेरे क्या था तो ये सब हमको प्रत्यक्ष करना पड़ता है ना मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई दे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो तो सीन है ना ड्रामा के चलेंगे तो परिस्थिति ना हो तो वो ड्रामा तो बंद करना पड़ेगा नहीं तो परिस्थिति नेचुरल समझनी चाहिए चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकू करने वाली सामना करने भी आती रहे चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण क्या होगा सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी समझा तो हद की कामना से मुक्त वो तो सभी कहेंगे हम मुक्त है लेकिन हदें डाली हुई है राय कामना भी नहीं है हमको क्या कामना कई कहते हैं हमको क्या चाहिए एक तो वो है फिर दूसरा क्या है आत्मा संतुष्टा के कारण प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देंगे प्रसन्नचित कभी भी कोई बात में चित नहीं होते वो प्रश्न नहीं पूछते रहते कोई बाहर से पूछते हैं कोई अंदर मन में रखते हैं, ऐसा क्यों ये क्यों वो क्यों प्रश्न है तो प्रश्न नहीं है प्रसंचित के निशानी ही है सदा निस्वार्थी सदा निस्वार्थी सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा किसी को भी ऐसा फील ना हो बाबा भी रियलाइज करा के एक मिनट में कहता था ड्रामा में भूल होती है नहीं मतलब ड्रामा भूल जाओ भी दीदी मनमोहिनी तो कराती थी हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस कभी हमारे चेहरे पर ये दिखाई दे तो उसने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा तो नहीं कहूंगी तो हम कहते थे फिर कौन कहेगा कोई तो कहने वाला भी हो ना। क्योंकि आपको कहा जाए और आपका चेहरा बन जाए हमने कभी नहीं क्योंकि वो एकदम कहती ठीक है आगे से नहीं कहेंगे तो ये जो पर्सनल अटेंशन किसी की मिलती है बड़ों की उससे सीख के उन शिक्षाओं से आ जाओ बड़े बनते क्योंकि उन्होंने कदम कदम एक एक शब्द पे शिक्षा दी पर हमने कभी भी उसको कहा अच्छा है आगे से ध्यान देंगे एक्नोलेज तो करना पड़ता है ना कि आगे से हम जरूर ध्यान देंगे कई तो बिल्कुल ही नहीं कभी रेस्पॉन्ड नहीं आता ना तो उससे क्या हो जाता है कि अंदर ही अंदर जैसे बढ़ने की शक्ति कम हो जाती है तो इसलिए सदा निस्वार्थी और सभी को निर्दोष अनुभव करेगा किसी और के ऊपर भी दोष नहीं रखेगा उसके कारण उसके कारण उसके कारण नहीं न भाग्य में दाता के ऊपर कि मेरा ऐसा क्या भाग्य बनाया न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है और न किसी व्यक्ति पर कि उसका स्वभाव संस्कार ऐसा है और न प्रकृति पर तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है नहीं कहीं कहते हैं आज मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा मूड ठीक नहीं क्योंकि बाहर बहुत ग्रे वेदर है रहा है अब इस वेदर में किसको खुशी होगी तो कोई प्रकृति पर डाल देते हैं न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा तो शरीर ही ऐसा है <laughs> उनको भी दोषी नहीं ठहराना न मनुष्य को न प्रकृति को न परिस्थिति को ड्रामा को किसी को भी दोषी नहीं ठहराना खुद को ठीक रखना है खुद को भी दोषी नहीं हमेशा कहते हैं खुद को भी ब्लेम नहीं करो दूसरों को कारण अपने को ठीक रखो <laughs> तो प्रसंित अर्थात सदा के निस्वार और निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले प्रकृति का भी दोष निकाला तो वो भी वृत्ति ऐसी हुई ना प्रकृति को भी देख के बोलो आ, बहुत अच्छा है आज तो बहुत ही आपका रंग सुंदर है प्रकाश नहीं है पर तो भी बहुत अच्छे लग रहे हो रियली <laughs> really, आप करते रहेंगे ना तो रोशनी भी आ जाएगी <laughs> बाबा कोई बात नहीं छोड़ता है ना जो बच्चे कहते हैं वो सुनता है सब कुछ तो बाबा कहते हैं संगम युग है, की विशेषता है संतुष्टता और संतुष्टता की विशेषता निशानी है प्रसन्नता ऑल वेल ऑल गुड राइट यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति निस्वार्थ और हर एक कोई किसी पर दोष नहीं है क्या करें ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है तो ड्रामा को दोष दे दिया क्या करें आज तो मौसम ही ऐसा है मौसम का लोगों के मूड पर भी असर होता है शरीर होता तो है ये नहीं लेकिन उनको दोषी ठहराने से कुछ फायदा नहीं होगा ना अपने में दोष निकालने का संस्कार बन जाएगा <laughs> ब्राह्मण तो बन गए पर उसका अगर सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए न कि प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बने हो अहो भाग्य लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी है संतुष्ट और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए कई लोग कहते हैं दिस वन इज अ वेरी प्लेजेंट पर्सन क्योंकि सदा वो खुश रहता है क्योंकि सुख खुद सुखी है तो आपकी संतुष्टि से और भी सुखी होंगे कि ना आपको देख देख के दुखी होते रहे बहुत देखा जाए तो वातावरण में दुख की लहर आ जाती है अगर एक भी संतुष्ट नहीं होता ना तो दुख की लहर होती है तो बाबा कहते हैं इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुशी खुली दिल से प्राप्तियों का वरदान दे रहे हैं और दे दिया है तो खुद अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी औरों को भी फिर अनुभवी बनाओ समझा तो हरेक अपने आप से पूछे किस नंबर की माला में हूं पहला नंबर दूसरा या तीसरा माला में तो सभी हैं लेकिन कौन से नंबर माला में हूं अच्छा आज राजस्थान यूपी का ग्रुप है राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले हर संकल्प में स्वरूप में राजाई प्रैक्टिकल में लाने वाले कहीं को देखे लगता है इसको कुछ मिलता ही नहीं होगा यज्ञ को ग्लोरीफाई करने के लिए कैसा रहना है तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए राजाई संस्कार मतलब है बाबा हर एक बात कह रहा है अभी प्रैक्टिकल में लाओ निराश नहीं हो अंदर है पर यूज नहीं कर रहे सब गुण है पर यूज करो शक्ति यूज करो तो जो प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात तो वो संस्कारों को प्रत्यक्ष दिखाने वाले हैं उनको कहेंगे राजस्थान निवासी ऐसे हो ना कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो अगर वशीभूत हो जाते हो तो प्रजा बन जाते हो मालिक है तो राजा है ना ऐसे कभी नहीं ऐसे तो नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा <laughs> सदा राजा ही संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप में हो ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है राजा को सदा सभी ऊंची नजर से देखते हैं और ध्यान भी बाबा कहते हैं कि स्थान भी राजा को ऊंचा देते हैं। इसलिए राजा ही जब घर में लेते हैं इतनी ट्रेनिंग होती है इतनी ट्रेनिंग होती है उनका कल्चर उनका डिसिप्लिन खाना उठना बैठना और सब कलाएं भी होती हैं उनको घोड़सवारी भी सिखाएंगे खेलने में भी अभी भी, भी इंग्लैंड के राजा हैं राजस्थान में है आप उनकी पर्सनैलिटी देखो ना चाहे राजा नहीं है हर बात में वो उनकी ट्रेनिंग होती है क्योंकि राजा ही संस्कार मतलब ये सब हो तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बन गए हो या बन रहे हो बने हैं बने भी हैं लेकिन अभी तक संपन्न बनना है कंप्लीट नहीं बने स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान है तो ऊंचे ते ऊंचे है ना नाम से भी ऊंचे तो काम से भी ऊंचे ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर पहुंचे हैं अच्छा यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि व संगम है ना नदी है पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है और भक्ति के हिसाब से श्री कृष्ण की जन्म भूमि भी यूपी में है किस कहा दिखाते आगरा में ना नहीं अपना द्वार कहा मथुरा में कृष्ण का जन्म हाँ मथुरा मेरा भूमि की महिमा है कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी हो तो यूपी में तो ये यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन पावन बनाने की विशेषता संपन्न है जैसे बाप की महिमा है पतित पावन तो यूपी वालों की बाप समान महिमा है पावनी आत्माएं भाग्य का सितारा चमक रहा है ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है सदा पावन है यह है स्थिति की महिमा तो ऐसे भाग्यशाली अपने को समझते हो सदा अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते रहो स्वयं भी हर्षित तो दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो क्योंकि हर्षित मुख स्वयं ही आकर्षित मुहूर्त होता है कोई भी बात होती है खुश करके हर्षित करो हल्के करो ऐसे आगे बढ़ते जाना है नहीं तो स्टक हो जाते हैं ना जैसे स्थूल नदी होती है अपनी तरफ खींचती है खींच कर यात्री फिर उनके पास जाते हैं चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेती है तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार का यूपी है सदा हर्षित रहो तो आकर्षित मूर्त भी बनेंगे आज तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है क्योंकि मुरली मार्च में है ना तो पहले फ़रवरी मार्च दो महीने होते थे ना डबल विदेशी डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी अर्थात बाप को आकर्षित करने वाले क्योंकि समान है ना बाप भी विदेशी है और आप भी विदेशी हो बाप भी विदेशी है ना तो हम शरीक प्यारे हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं माँ बाप के भी फ्रेंड्स सदा प्यारे होते हैं ना जब शुरू शुरू में गए अभी भी बहुत थोड़े होते हैं ना डबल विदेशी और बहुत ही अच्छे लगते थे दादियों को ये वो उनमें जो चेंजेस आई और चाली भाई वगैरह सब शुरू शुरू में तो सब उनको कहते थे ये प्रिंस जैसे बच्चे आए हैं जैसे तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी बाप डबल विदेशी बाबा भी है इस समय तो डबल विदेशी बाप समान इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी अभी देह को भी बाबा कह रहे है देह वो भी जैसे कि एक देश है शरीर है दे और दे के आकर्षण से पड़े विदेशी अशरीरी अव्यक्त तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं रेस भी अच्छी कर रहे हो सेवा में भिन्न भिन्न साधन क्योंकि सब नौकरी करते थे या कईयों के पास माँ बाप का वर्षा था तो कभी धन तो था नहीं कैसे करें तो सेंटर खोलते थे सभी खुद भी रहते थे सेंटर भी चलाते थे तो डबल कमाई भी जैसे लॉकिंग भी करते थे और सेवा भी तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर लेते तो बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशियों की सेवा की बधाई भी दे रहे हैं और स्व की वृद्धि की स्मृति भी दिला रहे हैं स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो सौ उन्नति सेवा की उन्नति के बैलेंस के द्वारा बाप के ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं और रहेंगे अच्छा चौथा ग्रुप है मधुबन निवासी वह तो सदा है ही हैं तो दिल पर जो दिल पर है वो चुल पर है और जो छुल पर है वो पर छुल बोलते हैं स्टोव को चूला स्टोव चूला उसको चुल बोलते है नहीं। तो दिल पर जो छुल तो तो पर सो छुल पर सो दिल पर सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन जो मधुबन में होता है सबसे सिकी लदे मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन में मधुबन सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं सबसे डायरेक्ट मोड़ लिए भी मधुबन में ज्यादा सुनने वाले भी मधुबन में है। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं और मधुबन निवासियों को बाप दादा सब ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद भी प्राप्त होती है कल कई हैं अपने डॉक्टर प्रताप ग्लोबल हॉस्पिटल ज्ञान सरोवर में बट्ठी चल रही है तो क्लास कराने गए थे तो फोन किया हम लोगों को मुबारक देने के लिए तो उनके साथ एक भाई बैठे थे आनंद भाई किचन के बोला आपको सैंडविच पसंद है मैं सैंडविच ही बना रहा था प्रताप भाई के लिए तो मैंने कहा चलो आप लोग याद तो करते हैं फिर बताया कि हम तो सुनते हैं क्लासेस हम भी होमवर्क कर रहे हैं तो बहुत प्यार है ना सभी को चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई कोई में कोई सिकी लदी आत्माओं को बाप दादा के शुद्ध शुभ संकल्प को संपन्न करने वाले बाप दादा के शुभ संकल्प के सं, संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार लेने वाली आत्माओं को विदाता और वरदाता बापदादा की बहुत बहुत याद प्यार और याद प्यार स्वीकार हो विदाता मतलब भाग्य बनाने वाला और वरदाता बाप की संतान दादी जानकी जी दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं जा रही हो या समा रही हो जाओ या आओ लेकिन सदा समाई स्टेज हो बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है चाहे आकार में चाहे साकार में वो साथ ही हैं। सिर्फ महावीर बच्चे जो हैं, जो वह वायदा निभाते हैं कि हम हर समय साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं इसलिए ऐसे महावीर बच्चे अनन्य बच्चे जहां भी जाते हैं बाबा को साथ लेके जाते हैं और बाबा फिर ऐसे बच्चों को वतन में साथ रखते हैं। हम ले जाएंगे तो वो भी साथ रखेगा तो ऐसे साथ रहते रहते समान बन जाते हैं घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे बाबा कहते हैं कि साथ ही रहेंगे और आप राज्य करना और बाबा ऊपर में ऊपर में रहेंगे लेकिन समय का थोड़े समय का अनुभव करना है अभी क्योंकि फिर तो पांच हजार वर्ष के बाद ही कंपनी मिलेगी ना भक्ति करते हैं पर साथ तो नहीं रहते ना अच्छा आज बाप दादा अपने आ, किसी ने कहा आज बाप दादा ने अपने कमाल की माला बनाई बाबा कहते हैं आप लोग भी तो माला बनाते हो ना माला भी तो बहुत छोटी है अभी बड़ी होनी चाहिए अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हो ना उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का वह समय का आवाज होश में ले आएगा फिर माला बड़ी बन जाएगी अच्छा जहां भी जाओ बाप के वरदानी बच्चे हो आपके हर कदम में बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे बोलेंगे तो भी बोल में वरदान लेंगे और कर में भी वरदान ही लेंगे चलते चढ़ते वरदानी की चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो अभी तो आत्माएं अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान और महादान की आवश्यकता है जान समझने में में भी भी टाइम लगता है योग का तो एक मिनट में लग गया जैसे ही सुना लग गया तो आजकल तो बहुत मेहनत लगती है तो उनको वरदान चाहिए आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उनको वरदान मिलना समझा तो बाबा आप वरदान है आज का बुद्धि रूपी पाव द्वारा इन पांच तत्वों के आकर्षण से पड़े रहने वाले बुद्धि रूपी पाव द्वारा इन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप बाब फरिश्ते को सदा प्रकाश की छाया में दिखाते हैं प्रकाश की काया फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया में दिखाते हैं प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी पड़े रहते हैं प्रकाश की काया वाले सदा इस देह की स्मृति से परे रहते हैं उनके बुद्धि रूपी पाओ पांच तत्व की आकर्षण से ऊंच बुद्धि रूपी पाओ पांच तत्वों की आकर्षण से परे ऊंच अर्थात परे रहते हैं ऐसे फरिश्तों को माया या कोई माया भी टच नहीं कर सकते लेकिन यह तब होगा जब किसी न तब होगा जब किसी किसी कभी किसी के अधीन नहीं होंगे शरीर के भी अधिकारी बनकर चलो माया के भी अधिकारी बनना है लौकिक और अलौकिक संबंध में भी कोई अधीनता नहीं होनी चाहिए स्लोगन है शरीर को देखने की आदत है लेकिन अब लाइट का शरीर देखो लाइट रूप में स्थित रहो और लाइट का शरीर देखो पिछले वालों का फोन आएगा तो रुक जाए समझा सुनते भी जाओ अपनी जांच भी करते जाओ और धारण भी करते जाओ जो कुछ भी है अपने में गुण शक्ति विशेषता यूज करो कोई कहे मैं दौड़ने में बहुत तेज हूं पर कभी दौड़ा नहीं हूं किसी ने कहा अरे मेरा तो नंबर वन आया रेस में बोला कितने लोग थे कहा अकेला ही दौड़ रहा था कोई अपनी मस्ती में चल रहे हैं सोच रहे हैं मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूं आना पड़ेगा ना रेस तो सौ दो सौ में लगेगी दस में लगेगी तो वो घबराते हैं उस, वो नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिकल में तो कोई भी जब तक हमने कर्म में नहीं लाया प्रैक्टिकल में नहीं लाया सिर्फ सोचते रहे मेरे में ये भी है मेरे में ये भी है मेरे में पर दिखाओ करना पड़ेगा ना तभी स्वरूप बनेंगे समझा तो प्रसन्न चेहरा प्रसन्न चेहरे से ना बहुत प्राप्ति हो जाती है प्रसन्न चेहरा किसी का देखो वो अपने को ऐसा लगता है कि खुशी मिल गई बहुत अच्छा लगा पर अगर चेहरा ही प्रसन्न नहीं है क्या सेवा होगी तो बाबा की याद प्यार सुनेंगे और आज का हमारा होमवर्क क्या है बाप समान आप समान बनाना किसी को कहेंगे चलो आप पहले पर किस बात में किसी को रोकना नहीं है मेरे पीछे रहे लेकिन सबको आगे बाप समान बने आगे बढ़ाते रहो सभी रूहानी सेंटर्स के प्रापिता सभी से सर्विस बच्चों पे थे मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दुर्गान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दुर्घान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग मिथुन मीठे सी जो बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते मद निवासी सभी सर से बिल प्रजा पिता बिन्दा के लभूषण बेटी निष्ठ रह खुश रहो और आबाद रहो न विसरो न याद रहो ओम शांति सुदीदी कह रहे हैं कि सभी अभी साथ में बाबा को याद प्यार देंगे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मीठे मीठे नमस्ते नमस्ते शुक्रिया 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 बाबा नमस्ते आज सभी क्या होमवर्क करना है हमारी दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क में संतुष्टा हो तो हम आप समान और बाप समान बनाएंगे ना बाबा के साथ संग रहेंगे बुद्धि द्वारा स्मृति द्वारा तो बाप समान बन जाएंगे तो कई बाप समान बनने के विधि आज मिली है उसको ध्यान में रखते हुए आज का दिन हम हाँ, नया वर्ष भी चल रहा है अभी तो दो ही तारीख है राइट तो अच्छी तरह होमवर्क करेंगे ओम शांति अभी बाबा को सभी याद करो और फिर अच्छी तरह होमवर्क करना अभी तो सुन लिया कि चलो कम से कम छत्तीस बार लिखना अगर एक सौ आठ बार नहीं लिख सकते चलो आधा लिखना तो होमवर्क भी करेंगे संतुष्ट भी रहेंगे संतुष्ट संतुष्टि का वातावरण सुख का वातावरण है अच्छा बाबा को याद कर shanti good morning